The greatest generation, the silent generation, the baby boomer generation, generation X, millennials, generation Z, generation Alpha. दोस्तों आपको ये सेवन जेनरेशन के बारे में ऑलरेडी पता ही होगा या फिर आपने सोशल मीडिया की किसी कोने में देखी भी होगी या फिर किसी बुक में भी पढ़ी होगी, बट क्या आपको इसके रेफरेंस के बारे में पता है? तो आइए आज हम बात करते हैं इन सभी जेनरेशन के रेफरेंस के बारे में। बट इफ यू आर न्यू फॉर दिस चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। द ग्रेटेस्ट जेनरेशन में वो लोग आते हैं जिनमें से कईयों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपना योगदान दिया था या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में बड़े हुए थे एंड इन्हें काफी डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था। और ये लोग अक्सर बेबी बूमर जनरेशन के माता पिता होते हैं। इन्हें 1901 से लेकर 1927 तक का बताया गया है। अकॉर्डिंग टू फैमिली रिसर्च, साइलेंट जनरेशन में वो लोग आते हैं जिनका जन्म 1928 से लेकर 1945 के अंडर में हुए थे। इन्हें रेडियो बेबीज या फिर ट्रेडिशनलिस्ट भी कहा जाता है एंड जो कि ये लोग भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहुत करीब थे। इन्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद खाने से लेकर सोने तक के लिए लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एंड इस जेनरेशन को रेडियो बेबीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद जो रेडिएशन फैला था वो साइलेंट जेनरेशन के लोगों ने भी फेस किया था। उसके बाद आते हैं बेबी बूमर जेनरेशन। बेबी बूमर में उन लोग आते हैं जिनका जन्म 1946 से लेकर 1964 के बीच में हुआ था। बेबी बूमर्स को वर्ल्ड पॉपुलेशन डेवलपमेंट का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है, स्पेशली जिन देशों का डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से हुई हो एंड इस डेवलपमेंट को लगातार आगे बढ़ाने में जिनका हाथ होता है उस जनरेशन का नाम आता है जनरेशन एक्स। इनकी पॉपुलेशन करीब 65 मिलियन के आसपास है। ये लोग करियर एंड डेवलपमेंट की ताक्स को पीक पीरियड में जोड़ डालते हैं। देन आते हैं मिलेनियंस। इन्हें जेनरेशन वाई या फिर जेन वाई भी कहा जाता है। जेन वाई को नॉर्मली डिजिटल दुनिया का फास्ट फेस कहा जाता है क्योंकि इसी जेनरेशन में इंटरनेट मोबाइल जैसी चीजों का ज्यादा यूज होने लगा था एंड इन्हें 1981 से लेकर 1996 की कैटेगरी में रखा गया है। बाय द वे आप कमेंट करना ना भूले आप कौन सी जेनरेशन से हो। अब आते हैं 1996 से 2012 तक। इस जेनरेशन को जेनरेशन जेड जिन्हें जूमर्स भी कहा जाता है। इस जेनरेशन में लोग इंटरनेट के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी इक्वल तरीके से यूज कर पा रहे हैं एंड इस जेनरेशन को सोशल मीडिया का फास्ट पेस माना जाता है। जूमर्स ही है जो सोशल मीडिया को एक अलग लेवल तक आगे बढ़ा रहे हैं और डेली लाइफ से लेकर डेली डेवलपमेंट की हद तक ये जेनरेशन काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। एंड लास्ट में आते हैं जेनरेशन अल्फा जो कि आजकल के बच्चे। इन्हें डिस्क्राइब कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि स्टिल दे आर बॉर्निंग, बट आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जनरेशन अल्फा 2010 से लेकर 2025 के अंडर के लोगों में बटा गया है। एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स का कहना है कि जनरेशन अल्फा जनरेशन वाई एंड जनरेशन जेड का मिलन है, सो इन्हें मिनी मिलेनियल्स भी कह सकते हैं या फिर जनरेशन एक्स वाई जेड भी कह सकते हैं। पर आपको क्या लगता है 2025 के बाद कौन सी जनरेशन सामने आएगी? आंसर जानने के लिए कमेंट में हाई जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर नॉलेजेबल फैक्ट्स। बाय बाय।